नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब एकदम सकाचक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में, और हम लोगों को आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन का, ताकि हम आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। देखो, ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप लोग सवाल कर लोगे, बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक तो लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, बट जो मेरा अगला क्वेश्चन है ना, उसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैग्नेटाइजेशन का समझना ज़रूरी है। और ये कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पोलराइजेशन समझा था, ठीक है ना? तो जैसे पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही मैग्नेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसका फॉर्मूला भी लगभग वैसा ही होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अगर मैं, जैसे वहां पे हम लोगों ने बाउंड चार्ज, सरफेस चार्ज माने थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसे अगर हम लोग मान लें कि यह बाउंड करंट भी होती है, सेम कॉन्सेप्ट पे, तो के बी को हम लोग मान लेते हैं सरफेस बाउंड करंट, और जैसे बाउंड चार्ज का वैल्यू होता है वैसे ही बाउंड करंट का वैल्यू मैग्नेटाइजेशन क्रॉस एन केप होगा, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और वॉल्यूम बाउंड करंट ऐसा होगा जे बी, इसे बोल देंगे वॉल्यूम बाउंड करंट, इसका मतलब डेल क्रॉस एम, बस वहां पे डॉट था, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो अगर इसी को ध्यान में रख के आगे बढ़े, तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, अगर मान लो कहीं पर मैग्नेटाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाना है, तो बाउंड करंट की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं, तो फ्री करंट और बाउंड करंट, इस तरह से दो करंट यहाँ पे होगा, तो इसको जे एफ प्लस जे बी हम लोग मान देते हैं, और म्यू को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सो कर्ल ऑफ बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट विच इज इक्वल टू जे एफ प्लस जे बी, ठीक है? या फिर जे एफ प्लस, अब जे बी को हम लोगों ने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था कर्ल ऑफ एम, तो कर्ल ऑफ एम से ये समझ सकते हैं। या फिर हम इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दें, इसकी वैल्यू को पीछे इधर ले आए, तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, ठीक है, विच इज इक्वल टू जे एफ, ओके। इसी को बोलते हैं एच, जैसे वहां पे डी था ना, अरे डी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, डी तो वहां था, तो डी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हमारा यहाँ पर है एच का कॉन्सेप्ट। एच इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो जैसे वहां था डी वैसे यहाँ है एच। अरे सेम फॉर्मूले काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के, एक बार के लिए पढ़ लो ना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढंग से, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, वहां पे क्या था, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी, वही तो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटाइजेशन पोलराइजेशन, बी मतलब ई, मैंने आपको पहले ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एप्सिलॉन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वन अपॉन म्यू आ जाएगा, और एच मतलब डी,
सेम फॉर्मूले हैं, सेम कॉन्सेप्ट है सबका। आपने पोलराइजेशन पढ़ा हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटाइजेशन तो आप समझ जाओगे। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, इसको मॉडिफाई करें, तो एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल का जो वैल्यू होगा वो जाएगा आईएफ, ठीक है ना। सो एच इज दैट फिजिकल क्वांटिटी एच इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ओनली ऑन फ्री करंट। फ्री करंट जैसे डी था जो केवल फ्री चार्ज पे डिपेंड करता था, ठीक वैसे ही एच है जो कि केवल और केवल फ्री करंट पर ही डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। अब इन्हीं को थोड़ा ध्यान रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन करो, एन इन्फाइनेटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, क्वेश्चन करो, इन्फाइनेटली सॉलिड सिलेंडर, मतलब बहुत लंबा सिलेंडर है ये, कंडक्टर ऑफ रेडियस आर वन रेडियस आर वन कैरीज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम करंट डेंसिटी कैरीज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे, इट इज अनयूनिफॉर्मली सराउंडेड बाय सॉरी इट इज यूनिफॉर्मली सराउंडेड बाय इट इज यूनिफॉर्मली सराउंडेड बाय अनादर कोएक्सियल सिलेंडर कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लीनियर मैग्नेटिक मीडियम ऑफ लीनियर मैग्नेटिक ऑफ लीनियर मैग्नेटिक मीडियम विद परमिएबिलिटी म्यू विद परमिएबिलिटी म्यू अप टू रेडियस आर टू। अच्छा ये आर वन तो पहले हो गया ना, अब आर टू, अब
अप टू रेडियस आर टू एज शॉन। तो फिगर भी आपको दे रखा है एक बहुत सुंदर सा, आपको उस फिगर के ऊपर ध्यान देना है बच्चों, बहुत शानदार फिगर है। एक्चुअली एक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है, समझा गया आपको, और वो भी है सॉलिड, सॉलिड है इसका मतलब पूरा भरा हुआ है, यहाँ से इनफाइनेटली लॉन्ग है, इसलिए हम इसकी जो लेंथ है वो बहुत दूर तक दिखाएंगे, ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, सॉलिड है वो बात समझा चुका हूँ। सिलेंडर की जो एक्सिस है ना वो ये है, खुद की एक्सिस सिलेंडर की, और ये सराउंडेड है किसी परमिएबल मीडियम से, तो मैं इसके आसपास एक परमिएबल मीडियम जनरेट करता हूँ जिससे सराउंडेड है। ये भी डॉट डॉट बनता है कि इंफिनिटी लोग उनको दिख जाए, और इसको हम लोग जो है परमिएबल मीडियम को शेडेड कर देते हैं। समझ रहे हो आप, समझ गए, परमिएबल मीडियम। ये आपको दे रखा है इसने आर वन डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक आपको दे रखा है आर टू मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो और ये ऊपर की ओर, ऐसा आप समझिए। और परमिएबल मीडियम है इसलिए इसकी जो परमिटिविटी है ना वो भी आपको कुछ मात्रा में दे रखी है, बीच में यहाँ मैं लिखता हूँ परमिटिविटी जो है ना आपको दे रखी है म्यू। ये आपका डायग्राम है, अब इसमें सवाल ये है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर वन, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एच इन रीजन आर लेस देन आर, मतलब एक डिस्टेंस है जो आर वन से थोड़ी सी नीचे है, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी इन द रीजन है। दूसरा स्केच द वेरिएशन ऑफ एच, एक और सवाल है, स्केच द वेरिएशन ऑफ एच विद आर इन ऑल द थ्री रीजंस विद आर इन ऑल द थ्री रीजंस, वो
देखना, समझ जाते हैं आप, समझ जाओगे आप, पूरा सवाल समझ जाओगे डिटेल में। देखो आपके पास में जो रीजन है, ग्राफ तो हम बाद में स्केच कर लेंगे, पहले हम इसको निकालें तो सही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडियम की जब बात करता हूँ, परमिएबल मीडियम में आप हो, तो परमिएबल मीडियम में ऑब्वियसली बात है बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है, जहाँ पे म्यू परमिटिविटी सॉरी परमिएबिलिटी होती है, और इसको हम म्यू नोड एच प्लस एम करके मान सकते हैं। जहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी है, ये इन फ्री स्पेस, फ्री में तो कोई परमिएबिलिटी होती नहीं है, तो सिंपली बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होता है ना उस समय, और मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है फ्री स्पेस के अंदर, क्योंकि बाउंड है ही नहीं ना वहाँ पे, तो एच की जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली बी अपॉन म्यू नोट होता है माइनस एम, अगर मैग्नेटाइजेशन है तो। अगर मैं पहला केस लेता हूँ, मान लो आर लेस देन आर वन वाला, तो यहाँ पे एच डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा, फ्री करंट, जहाँ पे एच और डी एल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। मतलब आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा ना एम्पियर लूप, और उस एम्पियर लूप का लाइन इतना ही होगा, बराबर जेड आई बराबर जे डॉट डी एस, तो जे ऑफ डी एस मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई से पाई गया, आर से ये गया, तो हमारे पास जो एच होगा वो हो जाएगा जे आर अपॉन, सिंपल। या फिर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, एच वेक्टर इज इक्वल टू जे क्रॉस आर वेक्टर अपॉन टू, और एच को आप लोग क्या लिख सकते हो, बी अपॉन म्यू नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से बी निकल जाएगा जे क्रॉस आर अपॉन टू, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं बात करूं आर वन दूसरे रीजन की, मतलब कि आर वन लेस देन आर लेस देन आर टू में, फिर वहां पे आपको एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला तो खैर वही लगेगा, एच डॉट डी एल बराबर आई एफ फ्री करंट, बट हाँ एम्पियर लूप आपको बनाना पड़ेगा, तो एम्पियर लूप का लाइन तो वही होगा 2 पाई आर, ठीक है। और ये हो जाएगा जे डॉट, और वो कितना सरफेस कवर करेगा, आर वन के बराबर, क्योंकि उतना ही चार्ज उसमें कवर होगा, सॉरी करंट, सेम वैसे ही काम करना है जैसे हम लोगों ने किया है। तो ये जे आर वन अपॉन कितना हो जाएगा, 2 आर, और इतना हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लें, सो एच इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस आर कैप आर वन स्क्वायर अपॉन 2 आर, या फिर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन 2 आर जे क्रॉस आर कैप और आर वन स्क्वायर, बहुत सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट, इतना याद रखना है। जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है उसके आसपास आपको एम्पियर लूप बना देना है, जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है उसके आसपास आपको एम्पियर लूप बना देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जितना करंट एनक्लोज कर रहा है वो वॉल्यूम ले लेना है, जितना करंट एनक्लोज कर रहा है उतना उतना वॉल्यूम आपको समझ लेना है या ले लेना है, ठीक है। नाउ अब हमको लास्ट एक और निकालना है कि आर ग्रेटर देन आर टू,
तीसरा केस, फिर वापस से वहाँ एम्पियर लूप बना दो। एम्पियर लूप बना दो तो ऑब्वियस सी बात है एम्पियर लूप तो अपना 2 पाई आर कवर करेगा ही सही ना, और करंट जो है कवर कितना हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई विद द ये तो बाहर चला गया ना, तो बाहर तो मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा, तो बाहर तो मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा, तो फ्री करंट तो केवल R1 के बराबर ही होगी इसमें। हाँ तो फिर तो सेम ही आएगा, फिर तो सेम आएगा, अगर फ्री करंट केवल R1 के बराबर तो जो ऊपर है ना वही आएगा सेम, क्योंकि फ्री करंट अभी भी R1 रीजन तक ही है। मतलब आप इधर देखो केवल फ्री करंट इसी के पास में है, तो चाहे आप यहाँ निकालो चाहे आप यहाँ निकालो, एम्पियर लूप जो है ना बेटा वो एम्पियर लूप केवल यहाँ तक की करंट को क्लैश करेगा। हाँ बस आर डिस्टेंस आपकी थोड़ी दूर हो गई तो वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट सेम डिपेंडेंसीज की यहाँ देखी जाएगी। एच के बाद अगर आपको बी निकालना हो तो बी भी निकाल सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर एंड जे वेक्टर क्रॉस आर कैप मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर। ठीक है दैट्स इट। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ प्लॉट करने में कोई बड़ा इशू नहीं है, ग्राफ तो इजीली प्लॉट हो जाता है। ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा आर लेस देन आर, तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी का आर का है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r का है, और ये जो है ना ये कांस्टेंट का है जिसमें हम लोग सरफेस पर देखते हैं, तो एच इज इक्वल टू जे क्रॉस आर आर अपॉन टू, ये एच है ये आर है, दिस आर ग्रेटर देन आर, R is equal to R less than R। मतलब आप ऐसा टेंटेटिव ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना बच्चों? तो ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, बाकी तो खैर सब सही है। ठीक है अभी तो इतना ही करते हैं आज, बाकी कुछ एग्जांपल्स और हैं वो हम कल करेंगे, और फिर कल खत्म करेंगे इसको ना, कल इसको खत्म करके फिर हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे।